दोस्तों पहुंच चुके हैं पालकी में, ये दुर्गा गुफा है। जैसे कि ये देख पा रहे होंगे ये पूरा। तो वेलकम न्यू अदर ब्लॉग गाइस, तो बने रहे वीडियो पे। आज हम ऐसे स्थान आपको दिखाएंगे जहां अभी तक कोई बहुत ही कम वीडियो बना हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, हम कोरजा कार्वे की ओर से जा रहे हैं, जंगल की तरफ से, रास्ते से। तो मैं देख पा रहा हूँ गाइस, ये देख पा रहे हैं पूरे नए नए पोल लगे हैं यहाँ। बहुत ही ठंडक आरामदायक आ रहा है। शाम का वक्त है, 5 बज रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है। आप भी आएँ तो देखेंगे कि यहाँ बहुत ही ठंडक ठंडक लग रहा है। और ये पूरा देख सकते हैं, मैं पहुँच गया रोड पर, डोरा पहुँचने वाला हूँ ये, और यहाँ पालकी माला पहुँचने वाला है। देखो दोस्तों यहाँ देखा जाए तो रोड बहुत ख़राब है, और ये आगे आगे चले हैं ये पूरा। यहाँ तो कुछ ठीक ठाक है भाई साहब, और देख पा रहे होंगे आगे चले मेरे एक और भाई साहब कौन कौन है। तो देखिए इधर पूरा, इधर खाई लग रहा है, खाई मतलब ऐसे ढलान टाइप है एकदम। मैं भी उतर करके जा रहा हूँ दोस्तों, तो ये एकदम ढलान टाइप दिख रहा है एकदम। सामने देख पा रहा हूँ छत्तीसगढ़ का दोस्तों बॉर्डर है ये, तो इधर पूरा भाई साहब ये देखिए पूरा पहुँच गए, देख सकते हैं पूरा अंदर की। और ये देखिए पूरा बना हुआ है अंदर पालकी माड़ा, इसलिए कहते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए आदि माँ शक्ति दुर्गा को गुफा है, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे। ये पूरा दिखा रहा हूँ मैं, अंदर तो बंद बंद है तो अंदर नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए गुफा उफा बना हुआ है अंदर, कुछ और है। और यहाँ दोस्तों पूरा शिव जी का मंदिर है, यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखा पा रहा हूँ ये पूरा चारों तरफ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच। यहाँ दोस्तों पहले पानी हुआ करता था, लेकिन आजकल कार्य चलते यहाँ सूख गया है पूरा पानी, तो यहाँ तो पानी नहीं है अभी। तो दोस्तों आप भी आ सकते हैं पालकी माड़ा, ये देख सकते हैं मेरे पीछे गुफा बना हुआ है, और यहाँ पूरा देख सकते हैं मंदिर है। और यहाँ देख सकते हैं पूरा कि यहाँ देखिए पानी पानी पहले भरा रहता था यहाँ, लेकिन आजकल सूख गया है, कार्य चलते यहाँ कार्य आ गया है। लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता था, और ये पूरा बहुत ही सुंदर स्थान है। ये दोस्तों पड़ता है खूंगा पानी, जब जाएंगे सी सेक्टर होते हुए तो ये स्थान पड़ता है। अब मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाऊंगा कैसा क्या है इसका बढ़िया सीन, तो बने रहे वीडियो पे अंत तक। तो दिखाता हूँ मैं और वीडियो पूरा देख सकते हैं अंदर के। ये देख सकते हैं भोलेनाथ का मूर्ति, और यहाँ सारे कई सारे मूर्ति हैं, और यहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग है, और सामने शिव जी का मूर्ति है, जय भोलेनाथ। और ये पूरा देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये, जितना आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, ये देख के बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, हम जाएंगे दोस्तों वहाँ पूरा ऊपर की ओर दिखाऊंगा मैं, और सामने की ओर भी ले जाऊंगा शिव जी, वहाँ भोलेनाथ का मूर्ति है। ये देख सकते हैं पूरा यहाँ अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, पता नहीं कब कब बनाया गया है। और ये पूरा देख सकते हैं पूरा, चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, चलते हैं सामने भोलेनाथ। ये देखिए पूरा यहाँ से आप सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं, और ये पूरा बहुत खूबसूरत दिख भी रहा है कि बहुत ही सुंदर है, ये देख सकते हैं बिल्कुल बहुत खूबसूरत। यहाँ से पूरा दिख सकता है मंदिर उंदिर, और यहाँ देख सकते हैं पूरा यहाँ का नज़ारा, मंदिर उंदिर देख सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए, वहाँ गए थे अपन, वहाँ वहाँ से भी चढ़ के आए हैं, तो बहुत खूबसूरत। और सामने शिव जी हनुमान जी का मूर्ति है, और यहाँ जाता है मणिनगढ़ रोड, और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये चारों तरफ। और यहाँ कुछ बरगद के पेड़ लगे हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, और देखते हैं और क्या है। तो इतना ही, देखिए मेरे पीछे पालकी माड़ा, तो चलिए चलते हैं सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। और अंकल बैठे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, आप इसके बारे में बताऊँगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ सामने हनुमान जी का मूर्ति है, मैं बाइक यहाँ पार्क किया हूँ। यहाँ देख सकते हैं बहुत खूबसूरत वादियाँ, शाम का वक्त, ये हनुमान जी का मूर्ति।
अंकल बैठे हुए हैं, तो अंकल से पूछते हैं, अंकल आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, ये आप कब से जान रहे हैं स्थान के बारे में? अरे बहुत दिन हो गए यार, 25-30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष? हम लोग बहुत छोटे छोटे रहते थे, पहले ये सब नहीं बना हुआ था। जी जी, पहले वैसे ही था ये, तो 10 साल, फिर 10 साल हुए इसको इस तरह का उजागर हुए, मतलब अच्छे। जी जी, तो पहले यहाँ पानी वानी रहता था? कार्रिक बजे सूख गया क्या? पानी वानी नाला था। हाँ, नीचे पानी रहता रहता है। जी जी, अच्छा, तो यहाँ भीड़ मतलब कब रहता है, मंगल शनिवार ऐसा कुछ? हाँ, दिन में तो रहता ही है, प्लस डेली रहता है, हो गए आते हैं श्रद्धालुगण। जी जी, अपना जी आते हैं दर्शन करते हैं शाम के समय में, ये समय ही आ गया। जी जी, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। जी, तो यहाँ मतलब मेला वाला भी लगता है ऐसा कुछ? हाँ, 14 जनवरी को। 14 जनवरी को? जी जी, तो गाइस आप भी आ सकते हैं 14 जनवरी को यहाँ, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, सी सेक्टर के पास ही है पालकी माड़ा, यहाँ मेला लगता है दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत स्थान है, इधर देख सकते हैं मेरे, इधर पूरा देख सकते हैं, इधर हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है बहुत ही बड़ा, और इधर है शिव जी का मूर्ति, और वो जो एकदम गुफा की ओर है पालकी माड़ा, यहाँ का पालकी माड़ा ही नाम क्यों रखा गया है बता पाएंगे कुछ इसके बारे में? जानकारी मेरे को जानकारी नहीं है। यहाँ कोई पुजारी उजारी नहीं रहते क्या? हो गए पुजारी, बाबा जी उधर रहते हैं ना। हाँ, कुटिया बनी है। जी जी, वही, धन्यवाद आपका। तो चलिए गाइस, तो आपको मैं बता दिया कैसा क्या, तो आगे हम दिखाते हैं, हनुमान जी का मूर्ति है, और चलते हैं सामने की ओर, देखते हैं यहाँ कैसा है नज़ारा सीन। तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत मूर्ति बना हुआ, जय हनुमान जी महाराज। ये देख पाएंगे, ये पूरा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी का मूर्ति, और ये पूरा ये देखिए खूबसूरत नज़ारा सामने की ओर, मैं जिधर से आया, ये हनुमान जी का मूर्ति, बहुत ही बड़ा हनुमान जी हैं, बहुत ही विशाल रूप बना हुआ है मूर्ति हनुमान जी का, मेरे सामने देख पा रहा हूँ, ये दिखा पा रहा हूँ मैं, ये देख पा रहे हैं छोटे हनुमान जी भी हैं, और ये मेरे पीछे मैं प्रक्रिया करके दिखा दे रहा हूँ सामने, और ये शिव जी का यहाँ छोटा छोटा दो मूर्ति है। दोस्तों यहाँ कचरा बहुत है दोस्तों, यहाँ साफ़ सफाई लगते नहीं हैं, तो बाबा जी उधर रहते हैं, तो उन्हीं से जाके हम पूछेंगे कि यहाँ का क्या पौराणिक कथा है, उसके बारे में वो बताएं, और उनसे हम बातचीत ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हनुमान जी की, ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है मंदिर उंदिर, बाबा जी उधर रहते हैं, तो मैं उन्हीं से जाके भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा गाइस कि यहाँ की क्या पौराणिक कथाएं हैं, पालकी माड़ा ही क्यों नाम रखा गया। और चलिए चलते उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं यहाँ कई बार बारे में, तो बने रहिए ब्लॉग पे, देखते हैं। बाबा जी का स्थान उधर है, तो उन्हीं से बात करेंगे अभी, तो चलिए चलते हैं उधर ही, और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में और पौराणिक कथाएँ, तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके बारे में, बैठे हुए हैं, चलिए इनसे बातचीत करेंगे। बाबा जी जय श्री राम। बाबा जी नमस्कार, तो मैं ब्लॉगर आया हूँ दो भाई। बाबा जी, बाबा जी यहाँ का पालकी माड़ा का नाम पालकी माड़ा ही क्यों पड़ा बाजार बताएंगे? नहीं बता पाएंगे, कोई स्थान के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी कुछ नहीं। आप कब से रह रहे हैं बाबा जी यहाँ? तो कब से रह रहे हैं आप? दो चार दिन हुआ है। और यहाँ जो रहते थे वो? हाँ, नहीं मालूम, तो कुछ इसके बारे में बता पाएंगे आप? कुछ नहीं। आप कहाँ से आए हो ऐसे? अमरकंटक से। पहले वहाँ अमरकंटक में थे क्या आप? जी जी, तो बाबा जी बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो पुजारी थे वो तो यहाँ अब नहीं रहते, ये बाबा जी तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ इनको आए, तो चलिए देखते हैं गाइस। कह रहे हैं कि हम अमरकंटक से आए हैं, हम नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, तो कोई बात नहीं गाइस, तो यहाँ तो जो पुजारी जी रहते तो वो तो नहीं है, तो किसी दिन और कोई होंगे तो चलिए उनसे मुलाकात कर लेंगे। तब तक के लिए ब्लॉग एंड करता हूँ, बने रहिए वीडियो पे, हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब चैनल करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिए और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।